आप ऐसा लगता है कि आजाद रहना चाहते हैं, किसी के काबू में नहीं रहना चाहते, वश में नहीं रहना चाहते, और आप पर आरोप ये लगता है आप शोर बहुत ज्यादा मचा रहे हैं, शोर ज्यादा मचाते हैं, गंभीर राजनीति नहीं कर रहे। देखिए, आजाद तो भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को बनाया है, और अगर हम संविधान में मिले अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी गलती है। तो मैं अपने अधिकार जानता हूं। तो बेसिकली ना, मेरा नाम चंद्रशेखर है, आजाद नहीं है। आजाद मैंने तब लगाया जब मैंने असली आजादी को फील किया। ये लोकतंत्र है, लेकिन आप समझिए कि मैं अब समझता हूं ये झूठा है लोकतंत्र। क्या कोई बोल सकता है? बोलेगा तो मुकदमा लग जाएगा, हक की आवाज उठाने जाएगा तो लाठी बजेंगी, या और कुछ करेगा तो एनएसए लग जाएगी। तो मैंने झेली है। जब मैंने झेल ली तो मुझे एहसास हो गया कि ये झूठी आजादी जो है ना, सच्ची होनी चाहिए। तो अपने नाम के पीछे आजाद लगाया, और आज प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हो जाएं जो इस आजादी को आम जनता के लिए भी तैयार करें। रही बात शोर बचाने की, तो समझिए विकास जी, मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और मैं शोर इसलिए बचाता हूं क्योंकि सरकार गूंगी बहरी है। अगर ये सरकार अच्छी होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए हैं, 70 दिन हो गए लगभग उन्हें, आज तक तो उनकी बात नहीं सुनी। आंदोलन करने जाते हैं बीजेपी कार्यालय पर तो लाठी बजा देते हैं, बहनों को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको पीटते हैं, चिन्हित कर करके लड़कों को पीट रहे हैं। तो आप समझिए मजबूरी है हल्ला मचाना। अगर ये सही काम करेगी ना सरकार, तो मैं भी जो है ना राजनीतिक काम करूंगा शालीनता से, लेकिन ये करने नहीं देती रोज। अच्छा, हाथरस का कितना बड़ा प्रकरण हुआ, हल्ला मचा, तभी तो न्याय मिला, वरना सरकार ने तो कहते रेप ही नहीं हुआ था। तो निकम्मी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मैं तो भगत सिंह को भी मानने वाला हूं, तो इसलिए मैं हल्ला मचाता रहता हूं।